नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय जुगलेकर शासकीय दुबो महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन सेकेंड सेम के फोर्थ पेपर फूड केमिस्ट्री के अंतर्गत बेवरेजेस विषय पर चर्चा करेंगे। बेवरेजेस या पेय पदार्थ जो है, नाम से ही हम लोगों को जैसे पता चलता है कि यह मुख्य रूप से कोई भी तरल पदार्थ जो है वो बेवरेजेस या पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जिसका सामान्य तौर पर उपयोग प्यास बुझाने के लिए किया जाता है और इसके साथ ही शरीर को उत्तेजित करने के लिए और प्रसन्न रखने के लिए इसका सेवन किया जाता है। बेवरेजेस शब्द जो है ये लैटिन शब्द के बीवर से लिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है विश्राम। बेवरेजेस या पेय पदार्थ जो है का वर्गीकरण जो है हमारे शरीर में उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उसके आधार पर मुख्य रूप से इसको पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें रिफ्रेशिंग, नरिशिंग, स्टिम्यूलेटिंग, सूदिंग और एपेटाइजिंग प्रमुख है। हम एक के बाद एक सबका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रकार जो है बेवरेजेस का, वो है रिफ्रेशिंग बेवरेजेस। ऐसे बेवरेजेस या ऐसे पेय पदार्थ जिनको पीने से शरीर को ताजगी मिलती है, दिमाग को ठंडक मिलती है और ताजगी मिलती है, ऐसे सभी प्रकार के पेय पदार्थ जो है रिफ्रेशिंग पेय पदार्थ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सभी प्रकार के स्क्वैश, फ्रूट जूसेस, आइस्ड टी, बटर मिल्क, लाइम जूस एवं पना आते हैं। दूसरे प्रकार का है नरिशिंग बेवरेजेस। न केवल यह प्यास बुझाते हैं अपितु हमको ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने के अलावा कुछ अन्य पोषक तत्व भी हमको ऐसे पेय पदार्थों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें नरिशिंग बेवरेजेस के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जूसेस, मिल्क शेक्स आते हैं, एगनॉग भी आता है और इसी प्रकार से चॉकलेट शेक जो होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरे प्रकार का जो बेवरेज है वह है स्टिम्यूलेटिंग। स्टिम्यूलेटिंग का अर्थ है उत्तेजित करने वाला, जो हमारे नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करता है, ऐसा सभी प्रकार का पेय जो है वो स्टिम्यूलेटिंग पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो चीजें प्रमुखता से आती है उनमें है एगनॉग विद विस्की, चॉकलेट ड्रिंक्स भी स्टिम्यूलेटिंग आते हैं और सामान्य तौर पर इनका उपयोग सबसे अधिक होता है चाय और कॉफी। चौथा प्रकार है सूदिंग, ठंडक प्रदान करते हैं, हमारे बॉडी को ठंडक प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें हम सूदिंग बेवरेजेस के नाम से जानते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए निश्चित तौर पर अच्छे होते हैं। इनके अंतर्गत जो प्रमुखता से बेवरेजेस आते हैं वो है हॉट मिल्क और टी। अंतिम जो बेवरेजेस का प्रकार है कार्य के आधार पर वो है एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग का अर्थ है कि हम पेट भरने के लिए जिनका हम उपयोग करते हैं, ऐसे बेवरेजेस जो है वो एपेटाइजिंग बेवरेजेस के अंतर्गत आते हैं और इन बेवरेजेस से भी कुछ मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रमुखता से बेवरेज आते हैं वह है सूप्स, ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस। इसके बाद हम देखेंगे कि सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो बेवरेजेस को हम दो प्रकार से जो है उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला होता है अल्कोहलिक और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक। आज हम इसमें पहले देखेंगे कि अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो क्या होते हैं और उनके कुल कितने प्रकार हैं। जैसे यहाँ पर इस स्लाइड में बना हुआ है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है उनके बेसिकली तीन प्रकार होते हैं, पहला फर्मेंटेड, दूसरा डिस्टिल्ड और तीसरा कंपाउंड। फर्मेंटेड अल्कोहल वे पेय पदार्थ हैं जिनमें जो है फलों से फर्मेंटेशन या खमीरीकरण की प्रक्रिया के बाद में उनमें उपस्थित जो शर्करा होती है वह अल्कोहल में कन्वर्ट होती है और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है।
इस प्रक्रिया को करने के लिए या फलों को चढ़ाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार के जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें 5 से 25% तक अल्कोहल की मात्रा हो सकती है। इनके उदाहरण मुख्य रूप से हम अगर लें तो बियर और वाइन्स होते हैं। दूसरा प्रकार जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, बेवरेजेस में, वो है डिस्टिल्ड अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिनको कि आसवन या डिस्टिलेशन के माध्यम से तैयार किया जाता है उनको हम डिस्टिल्ड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। और इस प्रक्रिया में एथेनॉल जो है प्रोड्यूस होता है और इसमें डिस्टिलेशन के लिए या फर्मेंटेशन के लिए, सड़ाने के लिए सामान्य तौर पे अनाज का उपयोग किया जाता है। अनाज के अलावा कभी कभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी उपयोग किया जाता है। इसमें फर्मेंटेड जो अल्कोहल्स है उनकी अपेक्षा ज्यादा मात्रा में अल्कोहल होता है। करीब करीब 75.5% अल्कोहल इसमें पाया जाता है। इसके उदाहरण में प्रमुख रूप से डिस्टिल्ड अल्कोहल्स में विस्की, वोदका और रम आते हैं। तीसरा जो प्रकार है अल्कोहल का वह है कंपाउंड अल्कोहल। इनका निर्माण, ये फ्लेवर्ड अल्कोहल होते हैं और इनमें अल्कोहल की मात्रा जो है काफी अधिक होती है। इनके उदाहरण प्रमुख है जिन और लिक्योर। अब हम जो पहला हमने प्रकार देखा था कि फर्मेंटेड अल्कोहल्स कौन कौन से हैं, उसमें हमने बताया था वाइन्स इसका प्रमुख उदाहरण है। और वाइन्स जो है उनके हम प्रकार देखेंगे। सामान्य तौर पे मार्केट में जो वाइन्स होती हैं वो फ्रूट से बनाई जाती है और सबसे अधिक जो बनाई जाती है वह अंगूर से बनाई जाती है। इसमें हमको 3 प्रकार के वाइन्स जो है उनके वेराइटीज मिलती है। पहला व्हाइट, रोज और रेड वाइन। इसमें इसका जो चौथा एक प्रकार है स्पार्कलिंग वाइन जो है शैंपेन को स्पार्कलिंग वाइन भी कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ वाइन्स ऐसी भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो फोर्टिफाइड वाइन्स के नाम से जानी जाती है, उदाहरण के लिए शेरी। इनमें फोर्टिफाइड वाइन्स जो होती हैं, नाम से ही जैसे हमको पता चलता है कि इनमें अल्कोहल जो है कंपैरेटिवली मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। इसके अलावा वाइन्स की वैरायटी जो है वो है एरोमेटिक वाइन, जिनमें विशिष्ट प्रकार की फ्लेवर होती है, खुशबू होती है, उनको हम जो है एरोमेटिक वाइन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें हर्ब्स और रूट्स, कुछ फ्लावर्स जो है और कहीं कहीं पे बार्क्स भी ऐड किए जाते हैं। इन सभी में वाइन्स की में जो अल्कोहल की मात्रा है, मैं जैसे पिछले स्लाइड में भी बताया था, 25% से अधिक नहीं होती है। दूसरी फर्मेंटेड जो अल्कोहल है उसमें मेनली जो है बियर का नाम आता है। और इसको अंगूर को जहाँ पे हम फ्रूट से बनाते हैं इसको हम सीरियल ग्रेन से इसको बनाया जाता है। और उसको सीरियल ग्रेन जो है उनको सड़ाने के बाद में और उसका कन्वर्जन जटिल से सरल रूप में होता है। और सरल रूप में होते समय ये चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स है इसलिए इनका परिवर्तन अल्कोहल में होता है। इनमें जो अल्कोहल की मात्रा होती है वह 4 से 8% तक होती है। इसके अलावा कुछ माल्ट बेवरेजेस भी जो है बनाए जाते हैं, जिनको बनाने के लिए खास करके माल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इन माल्ट में जौ जो है प्रमुखता से आता है। इसमें फर्मेंटेशन की या सड़ाने की प्रक्रिया के लिए प्रत्येक अनाज के लिए ईस्ट का ही उपयोग किया जाता है फर्मेंटिंग एजेंट के रूप में। कुछ इसकी जो वैरायटी है स्पिरिट्स के नाम से हम जानते हैं और इनको स्पिरिट के साथ साथ लिक्योर भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें दोनों प्रकार की जो है अल्कोहल्स हो सकते हैं, फर्मेंटेड एंड डिस्टिल्ड दोनों हो सकते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा जो है अधिक होती है।
नेक्स्ट जो अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंतर्गत है विस्की आती है, जिसको कि हमने आप लोगों को बताया था कि डिस्टिल्ड जो अल्कोहल होता है उस कैटेगरी में विस्की का है। इसमें जो प्रमुखता से विस्की जो है उपयोग में लाई जाती है स्कॉच विस्की, आयरिश विस्की, बोर्बन विस्की और कैनेडियन विस्की होती है। दूसरा प्रकार अब हम आते हैं बेवरेजेस का। अभी तक हमने जो देखा वो था अल्कोहलिक बेवरेजेस, अब हम अध्ययन करेंगे कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या है। जैसे नाम से पता चलता है ऐसे पेय पदार्थ जिनमें अल्कोहल की मात्रा नहीं होती उन्हें हम नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो है कॉफी, चाय, बॉटल्ड वाटर, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है जूसेस और बॉटल्ड वाटर और नॉन अल्कोहलिक बियर एंड वाइन्स आते हैं। इन श्रृंखला में हम सबसे पहले चाय का अध्ययन करेंगे। चाय का निर्माण जो है चाय के पत्तियों से किया जाता है। पूरे विश्व में चाय और कॉफी एक ऐसे पेय पदार्थ है जिनका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है और इसका जो ओरिजिन हुआ है चाइना से इसका ओरिजिनेट हुआ है और हमारे यहाँ पे भी आज जो है चाय का उत्पादन जो है जितने हमारे साउथ के स्टेट्स हैं उन सब जगह में इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी चाय का उत्पादन होता है। इसके जो प्रमुख प्रकार है उनमें ब्लैक टी, ओलोंग टी, ग्रीन टी और व्हाइट टी जो है वो सबसे प्रमुख प्रकार चाय के माने गए हैं। यहाँ पर चित्र में यह परिलक्षित हो रहा है अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर की हमको चाय दिख रही है। हम एक के बाद एक इन सब का अध्ययन करेंगे कि प्रत्येक प्रकार के चाय की क्या विशेषता होती है। ब्लैक टी जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, इसका ओरिजिन जैसे मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि यह चाइना से इसका ओरिजिनेट हुआ है और चूंकि इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पत्तियों को जो है तोड़ने के बाद में इनको सड़ाया जाता है और सड़ाने के कारण जो है इनमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, इनका कलर चेंज होता है, ग्रीन से ये ब्लैकिश कलर में आती है और जैसे जैसे ये कलर चेंज होता है उनमें उनका जो बिटरनेस है वो बढ़ती है। ब्लैक टी अपने आप में अपने फ्लेवर अपने टेस्ट के नाम से जानी जाती है। सामान्य तौर पे इसको बॉइल्ड वाटर में पत्तियां चाय की पत्तियों को डुबाकर पिया जाता है कहीं कहीं पर और हमारे देश में हम जो चाय पीते हैं उसके लिए पानी और दूध का हम उपयोग करते हैं और टेस्ट के हिसाब से इनमें हम स्पाइसेस और शुगर का भी ऐड करते हैं। सामान्य तौर पे हमारे देश में चाय के साथ में बिस्किट या केक्स का को खाने का रिवाज है। दूसरे प्रकार की जो चाय मोस्ट पॉपुलर चाय का प्रकार है दैट इज ग्रीन टी। इसका भी ओरिजिनेट अगर हम देखें तो ये चाइना और जापान दोनों से आई है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका चूंकि चाय की पत्तियों को तोड़ने के बाद में इनका फर्मेंटेशन बहुत अधिक नहीं होता है और इनका जो पत्तियों का ग्रीन कलर है वो काफी हद तक मेंटेन रहता है इसलिए ये चाय का जो रंग है वो भी ब्लैक टी की अपेक्षा अलग होता है और इसमें जो है बहुत माइल्ड फ्लेवर होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको बड़े मग्स में जो है जापानीज और चाइनीज लोगों के द्वारा इसका इसके सेवन के लिए छोटे जो पोर्सलिन के बोल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ चाइना और जापान में इसको एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक के रूप में अधिक सेवन करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है व्हाइट टी। चाय की जो पत्तियां होती हैं उनके जो एकदम छोटी बर्ड्स होती हैं उनको धूप में सुखाकर
और भाप देकर उसके बाद में उनको जो है उपयोग में लाया जाता है। और चूंकि इनमें बहुत ज्यादा सड़ाने की प्रक्रिया नहीं की जाती है, इनको बॉईल कर लिया जाता है, इसलिए इसका कलर भी हमको ऑलमोस्ट जो है वो लाइट कलर का ही मिलता है। और इसमें सबसे कम चूंकि प्रोसेसिंग होती है, इसलिए इसमें जो फ्लेवर है बिल्कुल अन्य चाय की अपेक्षा अलग होता है। ओलोंग टी चाइना की यह प्रसिद्ध चाय है, जिसको कि रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा वहां पर बेचा जाता है या वहां पे अवेलेबल होती है। और इनकी इसमें सबसे बड़ी जो खासियत हो यह होती है कि जब पत्तियों को चाय के पौधों में से जब पत्तियों को तोड़ा जाता है, तो उनको बहुत नरम हाथों से, नाजुक हाथों से जो है उसको रोल किया जाता है, और रोल करने के बाद में उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है। और ऑक्सीडाइज करने से उनमें जो गाढ़ापन आता है, और उसके कारण से इनका पत्तियों का रंग जो है वो बिल्कुल अन्य चायों की अपेक्षा अलग होती है। और चूंकि इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, इसलिए इसकी जो एरोमा है, इसका जो फ्लेवर है, वो अन्य की अपेक्षा अलग होता है। आइस्ड टी सामान्य चाय को जब बर्फ के साथ में और डालकर पिया जाता है, तो यह चाय जो है रिफ्रेशिंग होती है और आइस टी के नाम से जानी जाती है। इसको पीने के समय सामान्य तौर पे ठंडे पानी में बर्फ और नींबू का रस डालकर इस प्रकार की चाय का सेवन किया जाता है। इसमें मिठास के लिए शहद या शुगर दोनों में से जो भी पसंद होता है, व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से उसका उपयोग करता है। अब हम देखेंगे कि बेनिफिट्स, चाय पीने के क्या फायदे हैं। चाय पीने के निश्चित तौर पे चाय जो है वह गुणकारी मानी गई है, क्योंकि यह अगर सीमित मात्रा में चाय का सेवन किया जाता है, तो यह जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से यद्यपि बचाने में सहायक होती है। यद्यपि इसका जो प्रयोग है वो एनिमल्स के ऊपर किए गए हैं, परंतु ह्यूमन बीइंग के ऊपर इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन जो है यह आज तक प्रूफ नहीं हो पाया है। इसके साथ ही चाय में फ्लोराइड, अमीनो एसिड्स, विटामिन सी, ई और के पाए जाते हैं। इसके अलावा चाय में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, और ग्रीन टी इसके लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो लाइट टी होती है और उसमें पाया जाने वाला जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व है, पॉलीफिनॉल्स जो है, वो निश्चित तौर पे इम्यूनिटी बूस्टर है और हेल्थ के लिए निश्चित तौर पे बेनिफिशियल होता है। चाय का सोशल इम्पैक्ट अपना बहुत अधिक होता है। जैसा मैंने कहा कि आज पूरे विश्व में चाय और कॉफी जो है वो सबसे अधिक कंज्यूम किए जाने वाले पेय पदार्थ हैं। किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी में सोशल रिलेशन को शो करने के लिए चाय का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चाय का जो महत्व है वो रिलैक्सेशन के लिए है, एंजॉयिंग करने के लिए जो है हम चाय का उपयोग करते हैं। इसके बाद में हम आते हैं नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में। दूसरा प्रकार का जो बेवरेज है मोस्ट पॉपुलरली इसका उपयोग किया जाता है, वो है कॉफी। इसका जो ओरिजिनेट है वो है ब्राजील और कोलंबिया में, सबसे अधिक इसका जो है उत्पादन होता है। हमारे देश में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और ओडिशा के में इसकी जो है खेती की जाती है। सामान्य तौर पे हमारे देश में एक साल में 65,000 टन से अधिक जो है कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इसका जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई 6 से 20 फीट तक की होती है। इसके कॉफी के जो
फूल होते हैं उनके सफेद फूल होते हैं, ये सफेद फूल झड़ने के बाद में जो है फल धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रीन कलर का होता है। और जब फल कॉफी का फल हरे से लाल रूप में परिवर्तित हो जाता है उसी अवस्था में इसको तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। सबसे प्रसिद्ध कॉफी की जो वैरायटी है जिसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है वो है कॉफी अरेबिका। कॉफी जो है उसमें कैफीन की कैफीन पाया जाता है और ये स्टिम्युलेटिंग एजेंट है। इसके अलावा कॉफी में 14 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो निश्चित तौर पे स्टिम्युलेटर्स का काम करते हैं। कॉफी का जो प्रोडक्शन है सामान्य तौर पे जैसे मैंने बताया कि इसके जो फल होते हैं वो सफेद फूल झड़ने के बाद में जब फल धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जब लाल रंग के फूल होते हैं तभी उस कंडीशन में उनको तोड़ा जाता है और यह प्रक्रिया हाथ से की जाती है। इन के फलों को इसका आवरण निकालने की प्रक्रिया और दूसरा इनको सुखाने की जो प्रक्रिया है ड्राइंग की प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है। पहली विधि होती है ड्राई मेथड और दूसरी वेट मेथड। इसमें पाया जाने वाला जैसे पिछले स्लाइड में भी मैंने बताया जो अल्कलॉइड सब्सटेंस है या स्टिम्युलेटिंग एजेंट होता है वो है कैफीन होता है और इसके कारण ही इसमें हमको कड़वाहट जो कॉफी की होती है वो मिलती है। इसके अलावा क्लोरोजेनिक एसिड जो है कॉफी में 5 से कैफीनो ग्लूकोनिक एसिड जो है वो पाया जाता है और जितने प्रकार के बेवरेजेस हैं उन सभी में कॉफी जो है क्लोरोजेनिक एसिड का सबसे रिच सोर्स माना गया है। सामान्य तौर पे अगर हम 7 ग्राम ब्रू कॉफी लेते हैं तो इससे हमको करीब करीब 350 मिलीग्राम तक ये एसिड प्राप्त होता है। कॉफी की जो प्रोसेसिंग की जाती है उसमें उसको 3 प्रकार से प्रोसेसिंग की जाती है। भूजने की प्रक्रिया, लाइट ब्राउन, मीडियम और डार्क ब्राउन। जितना जितना कॉफी को ज्यादा भूनने की प्रक्रिया होती है उस कॉफी में कड़वाहट उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। अब कॉफी के बाद में हम आते हैं नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में, अगला प्रकार है वो है जूसेस। किसी भी प्रकार के फल या सब्जी में का जो रस होता है उसको हम जूस के या रसों के कैटेगरी में लेते हैं और इनका उपयोग करने के लिए कभी कभी ये कॉन्सेंट्रेटेड रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें पानी मिलाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सामान्य तौर पे हम जिन फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल फ्रूट जूसेस के रूप में करते हैं उनमें टमाटर, गाजर जो है प्रमुख है। इसके अलावा अनार, संतरे का और एप्पल का भी और क्रेनबेरी, ऐसे बहुत सारे फल हैं और सब्जियां हैं जिनसे जूसेस जो है बनाए जाते हैं। मार्केट में आजकल दो एक समान गुणों वाले जो है फलों और सब्जियों के भी मिश्रित जूस जो है अवेलेबल है। इसके अलावा जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का एक प्रकार है दैट इज कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। कार्बोनेटेड के नाम से ही जैसे हमको पता चलता है कि इसमें किसी प्रकार से कोई अल्कोहल नहीं होता, पर इसमें जो है चूंकि सोडा मिक्स होता है इसलिए इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस रिलीज होती है। यह मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर, बहुत सारे कलर में अवेलेबल है और इनमें बेसिक जो है ये केवल फ्लेवरिंग एजेंट होता है और सोडा और शुगर होते हैं, इसलिए इन ड्रिंक्स को हम हाई कैलोरी ड्रिंक के अंतर्गत लेते हैं। और इस प्रकार के ड्रिंक्स का जो है सेवन जो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन हम कम से कम मात्रा में करें। नेक्स्ट जो बेवरेज का प्रकार है वो है बॉटल्ड वाटर। हम पीने के पानी की जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं।
पीने के पानी की बॉटल्स जो है वो आजकल हम लोगों को मार्केट में अवेलेबल है, और ये अलग अलग फ्लेवर अलग अलग मिक्सचर्स के साथ में अवेलेबल है। और इसमें हम जब खरीदते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि इनकी एक्सपायरी डेट को हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि इनकी एक्सपायरी डेट क्या है, और उनके सील को हमेशा हमको चेक करना चाहिए, और उसमें जो कंटेंट लिखे हुए हैं खरीदते समय इस बात को जरूर ध्यान दें कि इनमें कौन कौन से कंटेंट हैं। इस अध्याय को तैयार करने के लिए मैंने मुख्य रूप से जिन किताबों का उपयोग किया है उनमें वी श्री लक्ष्मी की फूड साइंस की किताब है, शकुंतला माने उनकी फूड्स नाम की किताब है, बेसिक न्यूट्रिशन डॉक्टर अरुणा पल्टा की, और ईपीजी पाठशाला से हमने कंटेंट लिया है। अगर इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो आप मुझसे मेरे मेल पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।